ये कहानी है एक ऐसे खिलाड़ी की जिन्होंने दबंगई के साथ नई बुलंदियों को छुआ है। आइए सुनाते हैं आपको आशु मलिक की कहानी, कुछ उन्हीं की जुबानी। आशु मलिक जस्ट डस्ट दैट। पहले क्या था कि गांव में ना जो सीनियर्स प्लेयर थे हमारे गांव के, काफी जॉब करते रेलवे में, वो खेलते थे उस टाइम पे। और हमारे स्कूल में एक प्राइवेट स्कूल है उधर, वहां पे ग्राउंड चलता था, तो हम वैसे जाते थे उनको देखने के लिए। तो वो खेलते थे, तो ऐसे कर उनको देख के हम भी लग गए खेलने धीरे धीरे। और फिर धीरे धीरे प्राइमरी लेवल पर टीम अच्छी बनने लगी हमारी। तो जो वहाँ पर प्रिंसिपल थे, उन्होंने कोच वगैरह लगा दिया हमारे लिए, बाकी बच्चों की तैयारी कराओ। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट सा हो गया मेरा भी कबड्डी की तरफ। और फिर थोड़ा ये है कि थोड़े और बड़े हुए, टूर्नामेंट वगैरह खेले प्राइमरी लेवल पर, फिर अंडर 14, फिर अंडर 16, जूनियर 17, अंडर 19 स्कूली लेवल पर, फिर तो इंटरेस्ट बनता चला गया। फिर घर वालों ने भी सपोर्ट अच्छी की बाद में। हरियाणा को माना जाता है कबड्डी का गढ़, और उसी जगह से आशु बन के उभरे एक चमकते सितारे के रूप में। पहले तब खेलना स्टार्ट किया, तब स्पोर्ट नहीं था, तब मेरे घर वाले भी यही बोलते थे कि भाई पढ़ाई पे ध्यान दे ले, कुछ नहीं है। 3-4 साल ऐसे ही मैं, मतलब घर के कई बार नाराज भी हो जाते थे, क्यों टूर्नामेंट वगैरह में चले जाते, दो दो तीन तीन दिन स्कूल की छुट्टी लगती, फिर स्कूली गेम आ जाते उनमें छुट्टी लगती, एक आधा कैंप लग जाता उसमें छुट्टी लग जाती, कई बार एग्जाम भी नहीं दे पाए। तो इस वजह से कई बार घरवाले पहले नाराज थे, लेकिन धीरे धीरे उनका भी इंटरेस्ट होता चला गया और बाद में तो उन्होंने फुल सपोर्ट किया, बिल्कुल जो होता है पूरा। जैसे प्रो कबड्डी स्टार्ट नहीं हुई थी नहीं, तो उस टाइम पे क्या था कि ना, जो राकेश कुमार है पटना में खेलते थे पहले, तो लोकल में बुलाते थे उनको मुन्ना, जैसे बहुत नाम था, अच्छा खिलाड़ी था। तो ये उधर ये था कि मुन्ना जैसा रेडर बनना, मुन्ना जैसा रेडर। तो उस टाइम पे कि भाई वही उनको देख के हमने खेलना स्टार्ट किया था। पहले तो जैसे जब गेम नहीं करते तब पढ़ाई में अच्छे थे हम, लेकिन तब हम गेम में बड़े तो थोड़ा सा इंटरेस्ट दूर होता चला गया पढ़ाई से। और कई बार तो हम जानबूझ के भी छुट्टी लगा लेते थे कि आज थकावट हो रही है, प्रैक्टिस ज़्यादा कर ली। टूर्नामेंट में जाते थे तो ना, बच्चे जब जाते स्कूल से ही चले जाते थे, बीच में जैसे एक दो पीरियड होया उसके बाद वहीं से निकल लेते थे, तो छुट्टी हो जाती 2 बजे, हम फिर टूर्नामेंट से आते शाम को, फिर आते घर वाले डांट लगाते थे बिना पूछे चला गया ये वो है। ऐसा तो काफी बार हो चुका है। दबंग वही है जो कभी ना झुके, और आशु की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। चुनौतियों ने रास्ता रोका, लेकिन आशु को अपनी ही जगह बनानी थी कबड्डी की दुनिया में, और उन्होंने बनाई भी। हाँ, वो जो स्टार्टिंग में कैसेन हुआ था, सोनीपत में खोकर अकेडमी है उधर स्टार्ट हुआ था, तो तब पता नहीं था इतना कि भाई, मतलब ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यही था कि कोई ऐसी टूर्नामेंट है, तब शायद मेरे में वेट भी 80 kg के आसपास था, तो मैं वेट कम करके खेला था। स्टार्टिंग में 75 kg था, तो उसमें मैंने 5 kg वेट कम किया था और उधर खेल लिए थे। वहाँ पर क्वालिफाई होने के बाद फिर इधर गुड़गांव में K7 स्टेज अप मैच हुए थे, वो लीग लंबी चली थी, उधर बेस्ट रेडर निकला था। आशु मलिक विद द टर्न, आशु मलिक विद द किल। मिट्टी से मैट तक, सोनपत से दबंग दिल्ली केसी तक, अपनी मेहनत के कदम बढ़ाते हुए आशु पहुंचे प्रो कबड्डी लीग में। उस टाइम मैं उधर ही था K7 में ही, शायद सेमीफाइनल मैच से पहले की बात है, तब किसी ने कूडा कोच साहब का फोन आया था, तो उन्होंने बताया था कि भाई यहाँ दबंग दिल्ली में तेरे साइन कराएंगे और तू इधर ये टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद यहाँ पे आ जाना। तो फिर मैं वहाँ पे साइन करके आया था NYP के 8वीं सीजन के लिए। पहली बार जैसे टीम में आए, तो पहले तो थोड़े दिन चुपके चुपके से रहे,
कि भाई हाँ कैसे क्या होता है पता नहीं था ना, पहली बार कैंप में आए थे। धीरे धीरे करके जैसे जैसे दिन बीतते गए तो सभी के साथ बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे माहौल भी बढ़ने लगा। भाई छोटे बड़े आपस में मेल जोल बातचीत, सीनियर जूनियर और मतलब एक यंग प्लेयर, तीनों तरह के प्लेयर थे, बिल्कुल नए भी थे और जैसे विजय मलिक, नवीन और एक दो प्लेयर और थे जो ठीक मतलब यंग प्लेयर थे और सीनियर्स भी थे। तो उनके साथ मेल जोल बढ़ा और टीम में थोड़ा मोटिवेशनल माहौल हो गया, तो मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था उस सीजन। जब भी आशु को मौका मिला इस खिलाड़ी ने अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। जब भी दबंग दिल्ली केसी को उनकी जरूरत पड़ी, आशु बने टीम की एक नई आशा। एक सफर जो शुरू हुआ था एक रेडर के तौर पर, जल्द ही टीम की जरूरतों के चलते वो बने एक लीडर। देखो पहले तो जब स्टार्टिंग में चोट लगी तो पता नहीं था किसी को भी कि वह इतनी बड़ी इंजरी है। हमको भी यही लगा था कि दो या तीन मैचों के बाद में ठीक होके आ जाएंगे, लेकिन तब तक थोड़ा ये भी था, टीम कोई नहीं, एक दो मैच जीत भी की थी, थोड़ा कोच साहब ने मोटिवेट भी किया था कि अब भी मैच जीत रहे, नवीन आने के बाद तो स्ट्रांग हो जाएगी टीम। लेकिन फिर तब ये पता चला कि भाई नवीन तो मतलब ज़्यादा इंजरी है, खेल नहीं पाएंगे, तो थोड़ा कोच साहब हैं जो हमारे जोगिंदर नरवाल और खोखर कोच साहब थे और मैनेजमेंट थी हमारी पूरी, तो सभी ने मोटिवेट किया, थोड़ा प्रैक्टिस पे फोकस किया। बस यही है कि भाई थोड़ा सा हौसला डाउन नहीं होने दिया किसी का भी, मोरल डाउन नहीं होने दिया। यही बोला था कि भाई अपना 100% दो, अब की बार कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो नहीं खेल रहा तो क्या हो गया, हम मैच जीतेंगे, उसकी कमी को दूर करेंगे। लेकिन बाद में जब डिफेंस भी अच्छा करने लगा, रेडिंग में भी अच्छा मतलब स्कोर आ रहा था, तो फिर तो मैच खेलने में मज़ा आने लग रहा था। मतलब लगातार कंटिन्यू टीम मैच जीत रही थी, अच्छा खेल रहे थे और सबका हौसला बिल्कुल एकदम पीक पे था। टीम का माहौल बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा लग रहा था कि लगातार मैच जीत रहे हैं, ऐसा भी अच्छा कर रहे हैं, सब बहुत खुश थे। आशु का नया रूप दिखा 10वें सीजन में, जहां वो बने बेस्ट रेडर और दिखाया दुनिया को कि कोशिश और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिर्फ 3 सीजन में ही आशु बन गए दबंग दिल्ली केसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। You know, last season being part of a team with Naveen, I think it can always be a bit, you know, overwhelming, knowing that you know you have one of the best raiders in your team. I think despite that, even though of course you know Naveen did have a injury and a setback at the beginning of our season, even the first few games Naveen performed, you know, phenomenally. He didn't really let, I think, Naveen's presence, you know, get to him, which is also tough for someone who is, you know, young, not, you know, not having played as many games and having as much experience, of course, as Naveen did. So I think, you know, I think he's really taken his role really well as, you know, as a raider. He performed extremely well last season. And I think we're so excited that, you know, he's able to be a part of our team for the upcoming season. And, you know, hopefully he's associated with us for, you know, of course, much longer. So I definitely think he's a prodigy, especially of course in the raiding area. I think he's, you know, he's India has. We're lucky to have him. ये तो नहीं सोचा है अभी कि कितने पॉइंट लेके आने हैं या फिर कितना क्या करना है। हमारी प्रैक्टिस सिर्फ हमारा फोकस ही है कि भाई हमको दबंग दिल्ली को फिर से चैंपियन बनाना है, और सिर्फ यही एक टारगेट लेके चल रहे हैं हम लोग, और इसी की वजह से पूरा फोकस है प्रैक्टिस पे। और सब भी हर रोज़ प्रैक्टिस के टाइम पे इतनी प्रैक्टिस करवाते हैं कि हम काबिल बन जाएं ट्रॉफी उठाने के। वो कहते हैं ना कि कहानी तुम्हारी है तो हो सके तो कमाल लिखना। ये कहना गलत नहीं होगा कि आशु ने अपनी कहानी खुद लिखी है, पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सीजन 11 में इस राइज ऑफ स्टार के दबंगिरी देखने का हम सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा। It's a super read from a super player.